एक नौ सिखिया कार वाला आता है और गाड़ी के नीचे घुस जाता है, पीछे से घुस जाता है, अगर ड्राइवर वहां रुक जाएगा उसको पब्लिक मार देगी। एक बाइक वाला नौसिखिया या कोई शराबी कोई भी आया, ट्रक के आगे घुस गया, बस के आगे घुस गया, टैक्सी के आगे घुस गया, अगर वो टैक्सी वाला उसको उठाने की कोशिश करेगा, पब्लिक उसको मौके पे ही राम नाम सत्य कर देगी। इसमें सरकार ध्यान दे, नहीं तो इंडिया में ड्राइवर की संख्या बहुत कम होने वाला है। ड्राइवरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिसको जिगर होता है वही ये गाड़ी चलाते हैं। सभी ड्राइवर भाई इस कानून से नाराज है, बोलते अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अब गाड़ी छोड़ देंगे। इंडिया में ड्राइवर की संख्या कम होते जा रहा है, इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया का अर्थव्यवस्था में वालों ड्राइवर का भी योगदान है। आप लोग को याद होगा लॉकडाउन में सभी काम बंद हो गया था, एक ड्राइवर के जो गाड़ी था स्टेयरिंग बंद नहीं हुआ था, तो मैं खुद लॉकडाउन में गाड़ी चलाए थे। सरकार के इस पे ध्यान न जाइए, ड्राइवर वाले कोई भी आता है हाथ उठा देता है, कोई भी मार देता है। अभी हाल फिलहाल में दो दिन के पहले की खबर है कुंजर साइड का, कुंजर साइड में एक गाड़ी बड़ा गाड़ी था तो पीछे से बाइक वाला ठोक लिया, वो ड्राइवर भागा नहीं, वो ड्राइवर गाड़ी में था, जब उसको मारने लगा ना तब उसको ड्राइवर भागा, तो उसको दबा दौड़ा के मारा। 15-20 लोग चिटकुट लोग जिसको समझ नहीं है, अरे भाई ड्राइवर गलती है तो चलो मानते हैं गलती है, तो तुम मारोगे, तुम्हारा हक कौन दिया मारने का, कानून के हाथ में ले लेते हैं, समझे नहीं। इंडिया में ड्राइवर के मारने के लिए कोई किसी को रोक नहीं है, कोई भी आता है हाथ साफ कर लेता है, समझे। मैं देखता हूँ बहुत सारा इंसिडेंट देखता हूँ, ड्राइवर भाई लोग अपना जान गंवा देते हैं, उनको एक रुपया कहीं से भी उनको मदद नहीं मिलता है, न सरकार से न कहीं से भी। तो हम लोग का नौकरी ऐसा हम लोग का नौकरी है, नौकरी करो, आपका जान का कुछ ठीक नहीं है। और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ड्राइवर भाई के ऊपर कुछ सुविधा लाया जाए, क्योंकि भाई लोग इंडिया में ड्राइवर की संख्या अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, समझे। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कानून लाइए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, कि बोलो डर सभी के अंदर होना चाहिए, ऐसा ही मत ले कि गरीब आदमी मर जाए, ऐसा भी कानून मत ले आइए गरीब आदमी मर जाए, समझे। ऐसी तो ड्राइवर लोग को कोई इज्जत सम्मान नहीं है, जो भी आते हैं धो जा देते हैं, और ऊपर से आपका एक कानून गाड़ी में, अब नया लड़का अब आने के लिए 10 बार सोचेगा, जो ड्राइवर है वो भी अब गाड़ी चलाने के लिए 10 बार सोचेंगे कि मैं गाड़ी अब कैसे चलाऊं। भाइयों से, ड्राइवर भाइयों से निवेदन है, भैया लोग आप लोग रास्ते में गाड़ी खड़ा करके कहीं गाड़ी छोड़ के मत जाइए, अब जिसका मालिक के गाड़ी धरे है उनको जाकर दूरा पर द्वार पर खड़ा कर दीजिए और अपने घर जाइए, क्योंकि भैया लोग रास्ता में गाड़ी छोड़कर जाना ये उचित बात नहीं है। बहुत सारा मैं वीडियो देख रहा हूँ ड्राइवर भाई लोग छोड़ छोड़ के भाग गए है, तो कुछ भाई लोग है बोलेंगे नेतागिरी कर रहे हो, भाई मेरा एक काम है अपने, मैं काम के लिए मैं आवाज उठाऊंगा, ये मेरा ये रोजी रोटी के सवाल है, समझे। आप लोग जब मेरे जगह होते ना तो आप लोग भी यही बोलते जो मैं बोल रहा हूँ, इससे भी आप बढ़ के बोलते, समझे। तो मुझे सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, ये इस कानून में बहलो कुछ सुधार हुए, कुछ ड्राइवर को बहलो कुछ राहत मिले कुछ सरकार से, क्योंकि बहलो गाड़ी में कमाई में रहा नहीं, अब गाड़ी में कोई आना चाह नहीं रहा है, इसमें सरकार ध्यान दे, नहीं तो इंडिया में ड्राइवर की संख्या बहुत कम होने वाला है, समझे। जितना भी काम होता है ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है, माल भैया लोग जहाँ बनता है ना वहाँ से माल उड़ के नहीं आता है, वो ड्राइवर भाई लोग ही लेकर आते हैं, तब आप लोग का घर पे सामान मिलता है कुछ भी, अब घर के सामान कुछ भी आप उठा लीजिए, ड्राइवर के बदले आपका घर तक पहुंचा है, समझे। और गाड़ी चलाना कोई कोई एक भाई कमेंट किए थे ड्राइवर गाड़ी छोड़ देगा तो हम चलाएंगे,
बाबू गाड़ी चलाने के लिए ना ये चाहिए जिगरा, जो डावर डावर को बनता है, जो जिनको पास होता जिगरा होता है, मौत से खेलने का होता जज्बा, वही डावरी करते हैं, नहीं तो डावरी करना सबकी बस की बात नहीं है। तो मेरी बातों को आप लोग को बुरा लगेगा तो माफ कीजिएगा छोटे भाई समझ के।